तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? मुझे सब कुछ याद है। वो कहते हैं ना कि जैसे कल ही की बात हो। दीदी तू आ गया। अच्छा बता, खाने में क्या खाएगा? तेरे पसंद की कोई सब्जी बनाते हैं। नहीं, कह दो कि ये झूठ है। कह दो कि मैं बिस्तर पे सो नहीं रहा हूं। कह दो कि मैं ट्यूशन से वापस आ गया हूं। हे भगवान, कह दो कि मैं सपना नहीं देख रहा हूं। नाटक बंद कर और बता, भिंडी की सब्जी खाएगा या गोभी की? दीदी, आपको सचमुच मुझ पे इतना प्यार आ रहा है? परीक्षा आ रही है तेरी, इतनी मेहनत करनी है तुझे, तो मैंने भी सोचा कि तेरा दिल खुश कर दूं। तो हलवा बना दो। ठीक है, मैं हलवा बना देती हूँ। और पंसारी के यहाँ से जाके बादाम और किशमिश भी ले आती हूँ। दीदी, तुम जाओगी? तुम खुद खुद बाहर जाओगी? तो क्या हुआ, ये पास में ही तो है, अभी लेके आती। अरे चमनलाल जी, गेट खुला रखिए, दादा साहब आते ही होंगे। जरा सड़क की तरफ भी झांक के देख लीजिए, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। भैया जी, एक गड्डी दिख रही है। सिद्धार्थ पुत्र जी बाहर इंतजार कर रहे, लगता है हम लेट हो गए यार। ये हाल है सिद्धार्थ पुत्र जी। अरे काका जी, गड्डी आगे ला जा, बाबूजी की गड्डी आएगी। क्या हुआ काका जी, इतनी देर कैसे हो गई? और दादा साहब की तबीयत ठीक है ना? ओ नाना पुत्र जी, बाबूजी की तबीयत एकदम फिट है, बस बीबी जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, कहने लगी आज नहीं जाना। ले दास, बाबूजी तो आने का पक्का मन बना के बैठे थे, कहने लगे जाना तो आज ही है। पर है कहाँ वो सब लोग, और आप उन लोगों के साथ क्यों नहीं आए? क्या हुआ पुत्र जी? और बड़ी बीबी ने गाड़ी रस्ते में रुकवा दी, कहने लगी ताजी हवा खानी है। पर बौजी को तो आप जानते ही हो, कहने लगे लाल जी सिद्धार्थ पुत्र जी फिकर कर रहे होंगे, आप अगे अगे चलो, हम पीछे पीछे आते हैं। ले दास, बौजी ने मुझे हुक्म किया और मैं उनका हुक्म टाल दूं? ना ना, बा मैं आ गया। मैं यहाँ देखता हूँ, आप दादा साहब के कमरे में एक बार जाकर के देख लीजिए, सब कुछ उनके हिसाब से ठीक है या नहीं। वही वाला कमरा है ना? जी हाँ, वही कमरा। मैं जाके देखता हूँ। भैया जी, बड़े साहब की गाड़ी आ रही है। दादाजी जीते रहो बेटा। प्रणाम माँ। आइए माँ। प्रणाम दादी माँ। खुश रहो बेटा। क्या हुआ दादी माँ, सब ठीक है ना? अरे बेटा, ये सड़कें हैं या चक्कर घनी,
घूमती चली जाती है, घूमती चली जाती है। सर चकरा गया मेरा। कोई बात नहीं है दादी माँ, थोड़े दिन पहाड़ी हवा खाएंगी ना तो बिल्कुल चुस्त हो जाएंगी, फाइटिंग फिट। ये तुम्हारे दादा साहब की जिद है ना जो बेटा, चाहे मेरी सांसें रुक जाएं, मगर इन्हें इन्हें तो बस अपनी कोठी पहुंचने से मतलब है। रियली आई माँ, चाचा जी नहीं पहुंचे अभी तक? उनकी गाड़ी बहुत पीछे रह गई है क्या? हाँ थोड़े पीछे रह गए थे, आ रहे होंगे। ठीक। थोड़ा तेज चलाइए ना, वहां सब पहुंच गए होंगे, बस हम ही पीछे रह गए हैं। तो सब जैसे हमारा ही तो इंतजार कर रहे हैं। भूपत राय सूद की कोठी जवाहर सूद के लिए बाएं फैलाए बैठी है। कोठी हमारी भी है जवाहर, अगर आप खुद अपना हक नहीं जता सकते तो कोई और क्यों मानेगा? अरे तो क्या करूं मैं, हाथ जोड़ू उनके सामने कि मुझे मेरा हक दे दे? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? हक और इज्जत दोनों मांगने से मिलते हैं। अगर ये बात आप समझ जाते तो हमें ये सब नहीं झेलना पड़ता। ओए चमनलाल इत्थे आ, ओ छेती नस गया ना यार। ओ ध्यान से, इसमें शीशे का सामान है। ओ चमन, ये बौजी का सामान मैं लेके जा रहा हूँ, बाकी सब का जिस जिस का है ना उनके कमरे में पहुंचा दे। ठीक है। ठीक। देखा, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि हम भी आ रहे हैं, गेट भी बंद कर दिया। तो क्या अब हम यहीं पर बैठे रहेंगे ऐसे? चमनलाल, चमनलाल साहब जी, हम आ गए साहब जी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? पता नहीं क्या कि एक और गाड़ी आने वाली है, गेट बंद करके चले गए हो और हम यहाँ पागलों की तरह इतनी देर से चला रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए साहब जी, वो हम सामान रखवाने गए थे साहब जी। सामान रखवाने गए थे? कर, नैतिक ने अक्षरा से क्या कहा सुनाई नहीं दिया मुझे। इस हल्ले की आदत डाल दो माँ, अब तो रोज गाड़ियों की आवाज आएगी, पार्टियां होंगी, आंटी और उनकी सहेलियों की चिक-चिक होगी। अब आप आपके टीवी सीरियल की किटपिट कैसे सुनोगी? ऐसा कह के ना मेरा दिल दुखाया कर। माता रानी पता नहीं क्या तो कर्म किए होंगे मैंने पिछले जन्म में, कैसे तो तेरी शादी होगी और कैसे अपने ससुराल में गुजारा होगा तेरा। माँ मेरी शादी की फिक्र छोड़ दो, ये सोचो कि सूदों के वापस आने से आपकी लाइफ में क्या क्या बदलने वाला है। सोचो सोचो। अगर तू पापा के डर से पढ़ाई कर रहा है तो छोड़ दे, कोई फायदा नहीं है। किसी को अच्छा नहीं लगता तुझे रोज रोज डांट पड़ती है, पापा को भी नहीं। उनके कहने का तरीका अलग है लेकिन मैं और दादी में बात तो वही करते हैं ना, पर मुझे लगता है गलत करते हैं। जब तू बदलना ही नहीं चाहता है तो कोई जबरदस्ती करने का फायदा ही नहीं है। तुझे तय करना है तुझे क्या करना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, खेलना है बाहर जाना है, जो करना है कर। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं खेल रहा था, घूम रहा था, क्या पढ़ रहा था ना सुबह से? किया क्या है मैंने? सुबह से तो घर पे बैठा था, ना कोठी की तरफ गया। आप लोग चाहते क्या हो कि मैं कोठी की तरफ कभी नहीं जाऊं? ठीक है नहीं जाऊंगा बस। यश ये कहा क्या मैंने? ये तो कहना चाहते हो ना आप सब लोग मुझसे, हर बात मेरी गलत ही लगती है। तो क्यों बिना बात के बात बढ़ा रहा है? मैं नहीं आप बात बढ़ा रही हैं, सबके सब मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं क्योंकि कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। यश तू ये कैसे? यही सच है दीदी, मन करता है कि भाग जाऊं यहां से।
दादा साहब सब ठीक है ना? मेरी जितने समझ में आया उतना इंतजाम मैंने कर दिया है, कुछ रह गया तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी कर दूंगा। मैं बेटा सब ठीक है, तुम तो मेरी हर जरूरत समझते हो, जैसे दादा साहब होटल का मैंने कुछ काम शुरू करवा दिया है। इतने लंबे सफर से आप थक गए होंगे ना, बस थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं बाद में आता हूं। भुवन का कमरा, वहां कुछ बदला तो नहीं ना? सब कुछ वैसे ही है जैसे था। दादा साहब पापा की घड़ी उस दिन से बंद है, अगर आप कहें तो मैं। नहीं, ठीक ही तो है। वक्त वाकई उस दिन रुक गया। हलवा खा ले। नहीं चाहिए, मैं पढ़ रहा हूँ अभी। मुंह से थोड़ी ना पढ़ रहा है, मैं खिलाऊं? अब खा भी ले यार। चल तू मत खा, एक चम्मच घोड़े के पेट में डाल दे और एक चम्मच गधे के पेट में डाल दे, और जो बाकी बचे वो मैं बच्चा नहीं हूँ। जो बाकी बचे वो मैं बच्चा नहीं हूँ, कहा ना? जो बाकी बचे वो बंदरिया के पेट में। हाँ? बंदरिया के पेट में। चल घोड़े मुंह खोल। चल बंदरिया मुंह खोल। तो जल्दी से खा ले, तूने रात को भी कुछ नहीं खाया था। तो मैं तेरे लिए और ला। निवि, मैं यहाँ हूँ किचन में। ये तो शोर क्यों मचा था विलायती कोठी में? वो लोग शहर से आ गए। अच्छा, हाँ। नहीं नहीं बहुत घिसकर होगा, मोटी हो जाऊंगी मैं। हाँ फिर शादी कैसे होगी? अब खा भी लो। अच्छा थोड़ा खा लेती हूँ। अच्छा उस लड़के का क्या हुआ जो तुम्हें देखने आने वाला था? वो उसे तो मैंने भगा दिया। क्या और क्या, उसे नहीं आने का बहाना बना दिया उन्होंने, तो मैंने भी पापा से कह दिया क्यों ना आने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों? क्योंकि अगर मेरा उसका मिलना लिखा होता तो वो उसी दिन आ जाता। नहीं आया मतलब मैं उसकी किस्मत में नहीं हूँ। मेरा हलवा दिव्या दीदी खा गई, मोटी हो जाओगी। अरे मैं तो भूल ही गई, ये ले। वैसे आप लोग क्या बात कर रहे थे? तुझे क्यों पता है सचिंदर? ठीक है मत बताओ, मैं भी नहीं पता था कौन कौन सी कारें थी विलायती कोठी वालों के पास। ठीक है मत बता। पता है उनके पास चार चार कारें हैं, उनमें से एक सिद्धार्थ भैया जैसी है। ओ सिद्धार्थ भैया? हाँ वो मेरे दोस्त है ना। बड़े सिर चढ़े दोस्त है तेरे। नहीं तो? वो तो बहुत अच्छे हैं। सिद्धार्थ भैया आपको अच्छे नहीं लगते? मेरे पास फालतू टाइम नहीं कि मैं तेरे सिद्धार्थ भैया के बारे में सोचूं। और वैसे भी
आपका अच्छा हो या बुरा, मुझे क्या लेना देना। दिव्या दीदी को क्या प्रॉब्लम है सिद्धार्थ भैया से? पता नहीं, मुझे लगा अब तक उन दोनों की दोस्ती हो गई होगी। और सिद्धार्थ वैसा नहीं है जैसा बचपन में था। दिव्या दीदी को तो लोगों को पहचाना भी नहीं आता। तुझे बड़ा आता है, तू जाके पढ़। बस एक और बात दीदी, बताओ ना बिलायती कोठी में कौन कौन आया है? सिद्धार्थ, उसके दादा दादी और उसकी माँ। और उसके पापा? सिद्धार्थ के पापा नहीं है, बहुत छोटा था जब उसके पापा की मौत हो गई। जैसे हमारी माँ, मतलब जैसे इस घर में आप हो माँ की जगह, वैसे उस घर में पापा की जगह सिद्धार्थ भैया हैं। कहाँ बनेगा होटल? वहां उस पहाड़ी के पीछे, यहां से करीब 10-15 किलोमीटर दूर। ये सारी जमीन हमारी है? हाँ। मुझे तो ये सब कुछ याद भी नहीं था। और तुम यहाँ वापस नहीं आना चाहते थे, है ना? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्यों नहीं आना चाहता था। क्या ये लोग अभी भी यहीं रहते हैं? आ ही गया वो दिन माँ, आप हमेशा से यहीं रहना चाहती थी ना? आ ही गया वो दिन। लगता है कभी गए ही नहीं थे, सब कुछ वैसा ही है। तुझे तो इतना याद भी नहीं होगा। मुझे सब याद है माँ, सब याद है मुझे। तेरे पापा कहते थे कि शिमला कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे बिजनेस कहीं भी करूं लेकिन रहूंगा यहीं। कहते थे कि जब हम दोनों के बाल पकने लगेंगे ना तो यहाँ एक होटल खुलवाएंगे, फिर यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। क्या पता था होटल तो खुलेगा लेकिन वो शुद्ध परिवार आ गया है। सुन, जाके मिलाना, हाल चाल पूछ लेना। अरे हूं क्या, पड़ोसी इतने साल बाद आ रहे हैं, इतनी तो तमीज होनी चाहिए हमें। और तेरा तो पुराना रिश्ता रहा है। कोई रिश्ता नहीं है मेरा उनसे। हाँ, तेरे कहने से पुराने दिन मिट जाएंगे। एक थाली में खाना खाया है, एक लोटे से पानी पिया है हम लोगों ने, और तू आज रिश्ता तोड़ने चला है। तो क्या सिर्फ मैं ही रहता हूँ इस घर में? बाकी सब मर गए हैं जो मुझे से अपने पड़ोसियों की खातिरदारी करवाना चाहती हैं। और जहां तक रिश्ते की बात है ना अम्मा, घर में सबसे बड़ी आप, सबसे पहले आपसे रिश्ता था उनका। तो जाइए जाइए, स्वागत कीजिए अपने पड़ोसियों का, मुझे इस खाना पूर्ति में मत कसीजिए। मैं भूल नहीं पाता अम्मा, जिन्होंने मुझे दिल से निकाल दिया, आज मैं उन्हें गले नहीं लगा सकता। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उस कोठी में। छुपा बादल
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।